खूबसूरती का ताज अगर कोई सही मायने में डिजर्व करता है तो वो है दिया मिर्जा। उनकी खूबसूरती की वाकई में सभी मिसाल देते हैं। उनके बिहेवियर के बारे में भी तारीफ करने से थकते नहीं है लोग। रहना है तेरे दिल में के स्टार को आज भी इंडस्ट्री में हर कोई दिल से करता है पसंद। तो आज इस खूबसूरत हसीना के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ अनजाने और अनसुने फैक्ट्स। दिया मिर्जा का जन्म 9th दिसंबर 1981 को हुआ था। दिया मिर्जा के डैड फ्रैंक हैंड्रिच एक जर्मन आर्किटेक्ट और डिजाइनर है और वही उनकी माँ दीपा एक बंगाली है। जब दिया सिर्फ 4 साल की थी तब उनके पेरेंट्स ने अलग होने का फैसला लिया और इनका डिवोर्स हुआ था। इसके बाद दिया की मॉम ने शादी की अहमद मिर्जा से और इसी के बाद दिया को उनके स्टेप डैड का सरनेम मिला। साल 2003 में दिया के स्टेप डैड का हुआ निधन। कॉलेज के दिनों में दिया एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करती थी इन अ मीडिया फर्म और यही से दिया को मॉडलिंग करने का शौक चढ़ा और फिर इन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए और कई टीवी और प्रिंट के एड्स में भी ये नजर आने लगी। दिया ने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो सेकंड रनर अप बनी। इसके बाद उन्हें एशिया पैसिफिक के लिए भेजा गया। फिर साल 2000 में दिया मिर्जा ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया। दिया मिर्जा ने किया डेब्यू फिल्म रहना है तेरे दिल में से, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बट आपको बता दें कि ये फिल्म की एक कल्ट फैन फॉलोइंग बन गई थी और इंडियन यूथ ने इस फिल्म को कुछ ज्यादा ही पसंद किया। दिया मिर्जा काफी सोशल कॉसेस से जुड़ी हुई है। फीमेल फिटिसाइड और HIV पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिया हमेशा आगे थी और इसी के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई भी है। दिया ने मिस एशिया पैसिफिक उसी साल जीता था जब लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स और प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, यानी कि इंडिया के लिए एक हैट्रिक विन थी। ये एक एक्टिव मेंबर है ऑफ द कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन और हर साल ये 2 से 3 कैंसर अफेक्टेड बच्चों को अडॉप्ट कर शेल्टर देती है इस एसोसिएशन में। बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट नाम के प्रोडक्शन हाउस को ओन करती है दिया मिर्जा। स्कूल में ड्रामा ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद दिया को रियलाइज हुआ कि वो एक्टिंग करियर को परस्यू करना चाहती है। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि वेब की दुनिया में भी रखा दिया ने कदम विद Z5 काफिर। इनफैक्ट दिया मिर्जा कई सारे वेब सीरीज को प्रोड्यूस कर चुकी है ऑन Amazon Prime। जब दिया ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया तब कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके खिलाफ मोर्चा निकाला था। दिया के हिसाब से उनका वन ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस पोसेशन है उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एक फोटोग्राफ। दिया ने इस बारे में कहा, I have only one photograph of myself as a baby with my mother and my father. It's precious. I can't think of too many people having just one picture with both their parents. It is my most priceless possession. That is my favorite throwback. भले ही दिया के पेरेंट्स अलग हो गए लेकिन दिया अपने डैड को एक हीरो ही मानती है और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन मानती है। दिया ने उनके बारे में कहा था, ही वॉज माई हीरो, ही वॉज एवरीथिंग दैट आई कुड होप एनी मैन टू बी, ही वॉज इनक्रेडिबल इन कम्युनिकेटिंग विद मी एंड वॉज सो क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव। आई नो ऑफ पेरेंट्स फ्लाइंग काइट्स विद देयर किड्स बट ही वुड एक्चुअली मेक द काइट्स एंड देन फ्लाई देम विद मी। अप्रैल 2014 में दिया ने की सगाई साहिल संघा से और ये उनके लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर भी थे। दोनों ने उसी साल शादी की इन अक्टूबर एट छत्रपुर फार्म इन न्यू दिल्ली। दिया को कुकिंग करने का बहुत शौक है और वो फ्री टाइम में कुक करना पसंद करती है।
साल 2012 में दिया को ग्रीन अवार्ड से नवाजा गया फ्रॉम आईफा फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। साल 2016 में दिया ने अपना टेलीविजन डेब्यू किया विद द शो टाइटल्ड गंगा द सोल ऑफ इंडिया एड ऑन लिविंग फूड्स चैनल। साल 2000 में दिया स्टार हुई थी बाबुल सुप्रियोस पॉप सिंगल टाइटल खोया खोया चांद अलोंगसाइड अक्षदीप सैगल। शी हैज अ ओन ऑफिशियल ब्लॉग वेर इन शी राइट्स अबाउट सेवरल सोशल कंसर्न्स। 11 साल तक साथ रहने के बाद दिया मिर्जा और साहिल ने लिया डिवोर्स इन द ईयर 2019। कई लोगों ने ये कहा कि डिवोर्स कनिका की वजह से हुआ है, लेकिन दिया ने ये क्लियर किया और कहा कि वो किसी भी औरत को ब्लेम नहीं करना चाहती। दिया ने कहा, As a woman, I will not stand for another woman's name being used, so irresponsibly to perpetuate a lie. दिया मिर्जा ने साजिद खान के ऊपर लगे मीटू के बारे में कहा था, I was deeply disturbed. I agree that Sajid was obnoxious, extremely sexist and ridiculous. Even for me, the details of these accounts are beyond shocking. I have personally always have had a radar for such people. I have never invested in a relationship with such people, even in the workplace. Kareena Kapoor Khan ne ek bar Diya Mirza par chilla diya tha aur kaha tha ki who the hell are you? Darasal kuch baat ko lekar Diya ne unhe kuch advice kiya, tab Kareena ne Diya par chilla diya. Well, Diya ke bare mein jaankar aapko kaisa laga? हमें कमेंट कर बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।